सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए सिर पे गुरुदेव के वरद हस्त का आभास करते हुए नेत्रों में अपने इष्ट की छवि को सूक्ष्म रूप से समाहित करते हुए हृदय में परधाम निवासिनी श्री जी विश्वभान दुलारी की छवि को बसाते हुए माँ शारदा ने राधा रानी ने जो भी मेरे जिह्वा पे शब्द रूपी प्रसाद दिया वो आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं कि आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे। ब्रज में भगवान ग्रास रचा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं,
महारास और रास, भगवान ने रास ही नहीं महारास रचाया, दोनों में अंतर है। रास उसे कहते हैं जो स्वयं को रास है, और महारास उसे कहते हैं जो परमात्मा और जीवात्मा दोनों को आनंद आए, जीवात्मा और परमात्मा को भी आनंद आए, उसे हम कहते हैं महारास। और जीवात्मा जब पवित्र होकर अपने इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाए, तब हम उसे कहते हैं दास। दर्शयते दास्य रति, दास शब्द दाह को संकेत करता है और सा संस्कार को। अस्तु, जिस प्राणी के जीवन में भौतिक इच्छाओं का दाह संस्कार हो जाता है, उसे कहते हैं दास। और अगर किसी के अंदर दास रति आ जाए, मेरे ठाकुर का दास बन जाए, तो सौगंध बिहारी जी के चरणों की वो सदा खुश ही रहता है, उसे कभी रोने के दिन ही नहीं आते। पर दास बने तो, और अगर बिहारी के चरणों में रहते हुए दास ना बने तो उसके जीवन की उदासी कोई खत्म ही ना कर पाए। दोनों के साथ दास है, जिसका विलोमाभासी शब्द सदा होता है उदास। दास से रति से उपेक्षित, आचार्य बनते दास से रति से उपेक्षित व्यक्ति जीवन में सदैव उदास है। ब्रज की बालाएं नंदलाल को इतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना रहा नहीं हो सकता। कई बार तो ऐसा होता है कि कन्हैया जी कहीं दूर चले जाते हैं, गोपियां नहीं मिलती, तो आपस में ही एक दूसरे को नंदलाल कान्हा सवरिया सरकार कहने लगते। रस के आधार से हो जाता, करुण रस। कई बार ब्रज की बालाओं को जब नंदलाल नजर नहीं आते ना, तो आपस में एक दूसरे को नंदलाल कहने लगे। एक बूढ़ी माँ आई, उसने क्या हरी लाली, तू तो स्त्री लिंग है, स्त्री है, इसको नंदलाल क्यों कहते हैं? आचार्य जी, तुम राधा ललिता रुक्मिणी तीनों एक दूसरे के पास हैं, नंदलाल तो यहां है नहीं, फिर भी एक दूसरे को श्याम कहे। किसने कहा कि मेरा श्याम यहां नहीं है? किसने कहा? परमात्मा ना तो स्त्री लिंग है ना पुलिंग है, वो तो सर्व सर्वेश्व है। बोले ऐसा करने का कारण, कहें ऐसा करने का मात्र एक ही कारण है कि हमारे साथ राधा है, ललिता है, रुक्मिणी है, सब कोई है, हम एक दूसरे का नाम अपने नाम से नहीं, सांवरिया सरकार, बिहारी गिरधारी,
घनश्याम का नाम सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि मुझसे एक पल के लिए मेरे श्याम का नाम कभी दूर ना हो, क्योंकि अगर एक पल के लिए श्याम का नाम दूर हो गया तो हमारे जीवन में फिर कोई काम आएगा ही नहीं। इसलिए जब गोपाल को नंदलाल को ब्रज की बालाएं नहीं मिले तो भी बेचैन हो। एक दिन सखियों ने कहा, अभी जैसे आप कहीं जाइए शांति, अगर आप किसी से विशेष स्नेह करने लगो और वो कहने मुझे जाना है, आपको नहीं आज के दिन तो रुक जाओ, ठहरिए अभी बाद में जाइएगा, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। और अगर आप नहीं मानो, सामने वाला कहे नहीं मुझे तो जाना ही जाना है, तब आप क्या करते, उसकी सबसे प्रिय वस्तु छिपा देते, कैसे जाएंगे? अगर कोई जाने लगा भौतिक उगे तो गाड़ी की चाबी छिपा देते, नहीं जाने देते। सबसे प्रिय वस्तु घनश्याम मेरे से दूर तुझे नहीं जाने देते। ऐसे विराह में जब गोपियां इधर उधर जाने लगे, श्याम नहीं आए, तो श्याम की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? बांसुरी चुरा ली। ओ राधा रानी, कन्हैया जी कहते ओ राधा रानी, दई डर मोरी बांसुरी, ओ राधा रानी, दई डर मोरी बांसुरी। तेरे दादा सर्वस्व ले लो, लेकिन मुझे मेरी बांसुरी लौटा दो। बाहर देखिए, यही बंसी में मेरो प्राण बसते हैं, यही बंसी में मेरे प्राण बसते हैं, मत कर हारदा, मत कर हारदा, मत कर तू जपरी, ओ राधा जानो दई डारो मोरी बांसुरी, ओ राधा रानी दई डारो मोरी बांसुरी, ओ राधा रानी दई डारो मोरी बांसुरी। Oh,